ये बच्चे आते हैं बस में बैठने के लिए, जो स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं वो भी जो बातों जब आते हैं, कई बार बारिश आती है तो इस नाले में बाढ़ आ जाती है, उनको यहाँ 15-20 मिनट रुकना पड़ेगा जब तक वो कम नहीं होगा पानी, फिर जाते हैं जो पैदल है, बाकी गाड़ी वाले वो ऑटोमेटिक आता है वो चल जाते हैं बाहर, तो ये बच्चों के लिए बहुत मौके हैं। हाँ, स्कूल वाले बच्चे मैंने सुना है यहीं से जाते हैं सारे स्कूल, पहाड़ी वाला के बच्चे सब इधर से जाते हैं। ये तीन गांव के बच्चे मैंने सुना कि इधर तीन गांव के लोग और बच्चे इधर से जाते हैं, इसीलिए मुझे और भी ये था कि जल्दी से जल्दी हो पाए, इनका भी काफ़ी साथ दिया है इन लोगों ने, इसकी वजह से ये जल्दी से हो पाया है। मतलब मेरा गोल यही रहता है कि ऐसी चीज़ें की जाए जो असली में ग्राउंड पे काम आए। बड़े बूढ़े बच्चे और गर्मी तो सबको ही लगती है, हमारे पूरी डिपेंडेंसी ये फॉर्म पर है ना, डी डी ऑफिस बाहर अपना ये एस डी एम साहब का दफ्तर, तहसील ऑफिस है, इसके अलावा हॉस्पिटल है, बैंक है, सब गवर्नमेंट है, डिस्पेंसरी तक नहीं है, तो जब गाँव वाला जाएंगे या आप खौड़ में जाएंगे, पूरा ये रास्ता जो है अभी तो लोग ज़्यादा अल्टरनेट वो ज़्यादा ऑटो कर रहा है, हम अभी पानी क्रॉस करना पड़ रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पे आते हैं, हम लोग भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, मतलब इसमें लिख दो ना साहब अपना जो भी आप, वो हमारा हम सर उसी काम की डिमांड करते हैं जिसका एक आदमी को आप मेरे घर के आगे गली बना दोगे तो मुझे ही अफा है, बाकी लोग उल्टा उसका प्रॉपर कट कर यार इसने अपने लिए बनवा ली, मेरे को ऐसी जगहों के लिए पूछ जहाँ पर हम खड़े हैं इस जगह, मैंने पहले महत्व की ये चीज़ बताई, ये पॉइंट जो है बसों के डाउन और अप बसों के लिए ये बस अड्डा है, जो बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो हॉस्पिटल लोग जाने वाले हैं, जो ऑफिस में जाने वाले हैं, उनके लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। इसके लिए मैंने एक महीना पहले आर्मी के अफसर साहिबान से मैंने टेकअप किया कि सर यहाँ पर एक शेड की ज़रूरत है, शेड पहले बना हुआ था, ये 1996 में 5 सिख ने बनाया था, लेकिन अभी वो डैमेज हो गया था और दोबारा रिपेयरेबल था। इन्होंने फौरन एक्शन करते हुए दूसरे दिन वहाँ के ऑफिसर आ गए, उन्होंने जहाँ पर फोटोग्राफी की इसकी भी और जहाँ साथ में जो शहीद की जगह है उसकी भी और लेकर चले गए। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग किया और पिछले एक हफ्ते में इन्होंने एक हफ्ते लगातार लग रहे, किसी दिन बिल्डिंग का काम हो रहा था, किसी दिन के ऊपर का नीचे का जो लग रही थी टाइल्स वगैरह, तो ये इन्होंने एक महीने के अंदर एक हफ्ते के में ही कंप्लीट करके काम हमें बता दिया कि आप इसका इनॉग्रेशन जो है सैटरडे को होगा। एक महत्व वाली बात है, मैं भी एक्सरसाइज मैन हूँ, हम सेना वाले जो हैं पहला हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है उस पर ध्यान देते हैं, साथ ही साथ हम देहात में जो जो इलाका और एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है उस एरिया में रहने वाले लोगों को उनकी समस्याएं पूछते हैं और इसके बाद उनका वो निराकार करते हैं अपने फंड्स के हिसाब से। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही तेज़ एक्शन करके हमारी बात को सुना है, हम इनके बहुत ही हवारी हैं, ये दिन रात रात को जो बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर का सीट रखते हैं, दिन को जो बीच में आके हम लोगों से मिलते हैं, हमारी समस्याएं पूछते हैं, तो उसके लिए हम सेना के बहुत आभारी हैं, इनका हमारे पास शब्द नहीं है इनका जो शुक्रिया करना है उसके लिए। ये साढ़े ग्रां खुंडा ग्रां जिहड़ा ये शैड बनया है, इहदे बारे में एक दो गल बोलूँ कि आह इस आर्मी दे बहुत बहुत आभारी हाँ जिहड़ी इन्हें साड़ी समस्या दिखी कि इत्थे साढ़े बच्चे की साढ़े बजुर्गों की साढ़े महलें की मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ ही, क्योंकि जो भी बारिश का मौसम या गर्मी का मौसम होंदा हा असीं बड़ी तकलीफ होंदी सू दौड़ना पाउंदा हा, और कन्ने गए पानी का साहब ने जरा ये बंदोबस्त कराया बड़ा अच्छा काबले तारीफ है, ये वास्त आप भारतीय सैनिक बहुत बहुत आभारी हाँ, और अस इन्हें इन्नी गल आ गए कि अगर अह भी तुंदे कन्ने जो भी साड़ी जरूरत पवे आह भी तुंदा साथ साना बसाना देगे, इं साढ़े काम अगर पहले जियां करा दे अगों वास्तव भी जाने कि जी फौज साढ़े ग्राएं आँदी है दवाइया लिए आँदी है बच्चे वास्तव कैंप लगाती है स्पोर्ट दे किट दी है फर्नीचर दी है मतलब कोई भी साड़ी कोई समस्या होंगी है साढ़े कन्ने बिल्कुल ये चलते हैं, ये वास्ते आप बहुत बहुत दोबारा भारतीय सैना बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, अस खासकर जी टीम आई दी अं पता नहीं के क्या है, बाकी जो सैट बनया ये वास्ते आप बड़े बड़े शुक्रगुजार हाँ, धन्यवाद। हम आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमें अच्छा सा एक शेड बना के दिया,
इन्होंने हमें पहले भी जो स्कूल के लिए लैपटॉप वगैरह दिए थे। धन्यवाद, हम आदमी का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जय हिंद, जय भारत।